गाइस व्हाट्सअप, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ तानिया मलवानी। आज के बारे में ये बताऊंगी मैं कि मैं अपनी है ना वीडियो कैसे शूट करती हूँ, कौन से फ़ोन से करती हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। आज मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम नीचे आईडी आ रही है, आप तो प्लीज़ उधर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं अगर आपको कुछ ऐसा कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी है फिर से, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो अब चलते हैं अपन आगे। सो मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और मेरे पास 1+7T है। यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा, मेरे पास 1+7T फ़ोन है। मैं उसी फ़ोन से शूट करती हूँ। मेरे पास नहीं कैमरा है ना क्या है ना कुछ, बस मेरे पास फ़ोन है एंड्रॉयड। अपन एंड्रॉयड फ़ोन से भी शूट कर सकते हैं। अगर अपन बिगनर है तो अपन पहले स्टार्टिंग अपन को अपने फ़ोन से ही करना पड़ेगा। क्या हमारे पास रिंग लाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास रिंग लाइट होनी चाहिए तो हमारी अच्छी बनेगी, हमारे पास नहीं होगी तो हमारी वीडियोस अच्छी नहीं बनेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तो हमारी वीडियोस अच्छी बनेगी बिना रिंग लाइट के भी। मेरे पास भी रिंग लाइट है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी रिंग लाइट है। तो पर मैं अभी रिंग लाइट से नहीं बना रही हूँ, मैं आपको अभी अपना सेटअप दिखा देती हूँ। वेट, देखो मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है, पर यहाँ पास में ऐसे लाइट लगी हुई है तो मैं अपनी वीडियोस बना सकती हूँ। क्या आपने देखा कि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है फिर भी मैं अपनी वीडियो बना सकती हूँ? आप कहीं पर भी बना सकते हैं, या कहीं पर अच्छी खासी लाइट हो वहाँ पर भी बना सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास रिंग लाइट नहीं है तो हमारी वीडियोज़ अच्छी नहीं बनेगी। थर्ड, हमारे पास माइक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अफकोर्स हमारे पास माइक होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो ठीक है, अपन ज़ोर से बोल देंगे और क्या। अगर हमारे पास माइक होगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली मेरे पास माइक नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है वीडियोस बनाना। अगर मेरी वीडियोस ग्रो हुई तो मैं माइक ले लूँगी। ऐसा नहीं है कि है ना, मतलब मेरी वीडियोस ग्रो नहीं हुई और मैंने अपना माइक ले लिया तो बेमतलब कहीं पर भी यूज़ नहीं हो पाएगा। तो अब जब तक मेरी वीडियो अच्छी खासी चल जाएंगी तो मैं अपना माइक ले लूँगी। ऐसे तो मेरी आवाज़ आती रहती है, मैं इतनी जोर से तो बोलती हूँ आपको, पर मतलब मेरे अंदर से आप लोगों को माइक होना चाहिए। वो सेटअप कैसा होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? पीछे का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप वीडियोस नहीं बनाओगे, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। इन चीज़ों के लिए तो मैं तो बोलूँगी, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। मैंने तो आज ही लगाया है, वैसे आप मेरी पहले वाली वीडियोज़ को देख सकते हो, मैं पीछे बैकग्राउंड नहीं लगाती थी। पर ये क्या है ना, मतलब हम बहुत जुगाड़ू इंसान है। ऐसा नहीं है कि हम पहले परचेज कर लें उसके बाद वेस्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी मत करना। मैं यही बोलूँगी, आप ऐसा कुछ भी मत करना, पहले आप परचेज मत करना, ऐसा कुछ मत करना। और अभी भी मैंने रिसेंटली ऐसे बैकग्राउंड यूज़ किया है, वैसे मैं नहीं करती हूँ। अधिकतर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पीछे का बैकग्राउंड अच्छा रहता है और बहुत सही रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारी वीडियोस ये वो अच्छी तो लगती है, पर ऐसा नहीं कि है ना पीछे का बैकग्राउंड ऐसा रहेगा, मतलब गंदा सा रहेगा, मेजी सा रहेगा तो हमारी वीडियोज़ अच्छी ग्लो नहीं करेंगी ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप बिगनर हो तो आप पहले अपनी वीडियोज़ को ग्लो करना। और मेरी यही प्लेस है कि मैं यहाँ पर शूट करती हूँ, कभी मैं इधर वाले रूम में शूट करती हूँ। ये तो मेरे पापा का रूम है, मेरा इधर पीछे रूम है, क्योंकि है ना अभी मेरा रूम बहुत मेजी सा लगा है तो मैं अभी अपने रूम में शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि अधिकतर अपने इधर ही मतलब शूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ ये प्लेस बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैंने पीछे का बैकग्राउंड चेंज किया है क्योंकि ये तो घर पर ही आपको मिल जाएगा, ये हमारी वो है पर्दा और ये लगे रहते हैं सोसली, मतलब ये दोनों मैच कर गए तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियोस चाहते हो कि आए या ब्लॉग आए, जो भी आप वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ आप करना, कमेंट में बताना। और अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करनी हो तो प्लीज़ फॉलो मी इंस्टाग्राम। So yeah, take care, bye bye.